हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। अब बारिश का मौसम आ चुका है तो अब फिश एग बहुत मिलता है इस टाइम पे। तो आज हम फिश एग पकोड़ा बनाएंगे थोड़ा सा हेल्दी वे में, बहुत ही कम चीज़ें यूज़ करके। तो चलो देख लेते हैं फिश एग पकोड़ा बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। फिश एग पकोड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए फिश एग, प्याज, नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, मीट मसाला और ऑयल। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। फिश एग पे सारे चीजें ऐड कर देना है। ये हमने डाल दिया हल्दी पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, मीट मसाला और खूब सारा प्याज। सारे चीजों को ऐड करने के बाद अब फिश एग को मिक्स कर देते हैं अच्छे से सारे चीजों के साथ। आप इस पे धनिया पत्ता और हरी मिर्च भी डाल सकते हो। ये फिश एग पकोड़ा मेरी दी की बहुत ही फेवरेट है, तो उसे पसंद नहीं है इसमें धनिया पत्ता और हरी मिर्च डालना, तो मैं उसी के हिसाब से इसे बना रही हूँ। अब अच्छे से मिक्स हो गए हैं सारे चीज़ें, तो अब इसे सेलो फ्राई करने के लिए पैन पे थोड़ा सा ऑयल डाल के गर्म कर लेते हैं। जब पैन गर्म हो जाए तो इसे छोटे छोटे गोल गोल साइज में डाल देंगे फिश एग को पैन पे। वैसे शेप गोल गोल ना हो तो भी चलेगा, शेप से कोई लेना देना नहीं है इसका। आप इसे जैसे भी शेप में बनाएं ये टेस्टी ही लगेगा। यूजुअली इसे डीप फ्राई करा जाता है, बट हम इसे सेलो फ्राई करेंगे क्योंकि सेलो फ्राई करने से भी इसका टेस्ट उतना ही बढ़िया लगता है। तो फिर क्यों ज्यादा ऑयल यूज करें, है ना। इसे हमें मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। फिश एग को पैन पे डालने के कुछ टाइम बाद ही हम इसे पलटेंगे, नहीं तो ये टूट सकता है। ये साइड साइड से पक चुका है, कलर इसका चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसका मतलब ये नीचे से फ्राई हो चुका है, इसे अब पलट देते हैं। फिश एग के ऊपर हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसे हम फ्राई करेंगे दोनों साइड से ही। ये अब अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो अब इसे निकाल लेते हैं। पैन पे मैं और थोड़ा ऑयल डाल दी हूँ नेक्स्ट बैच फ्राई करने के लिए, और इसी तरीके से हम सारे फिश एग को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारा फास्ट बैच का पकोड़ा जो हमने बनाया था वो कैसा बना है, लग रहा है ना यमी। कम ऑयल में, कम टाइम में, कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बहुत ही इजीली बन जाता है और खाने में भी बहुत ही बढ़िया लगता है ये। एक बार सारे फिश एग पकोड़ा बन जाने के बाद आप इसे गर्मा गर्म ही सर्व करें। यकीन मानिए ये फिश एग पकोड़ा बहुत ही टेस्टी लगता है, आप इसे जरूर ट्राई करिए, देखना आपको भी ये बहुत ही पसंद आएगा। इसे मैंने गार्निश कर लिया है प्याज, नींबू और हरी मिर्च के साथ। इसे चावल के साथ भी खा सकते हो एज ए साइड डिश, या फिर आप इसे ऐसे भी खा सकते हो स्नैक्स पे और डिनर पे भी थोड़े से सलाद के साथ। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी इसके बारे में नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, इससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है आगे और वीडियोस बनाने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।